हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जेम फाइनेंशियल शेयर के बारे में। और ये मुझे किसी ने इस पर वीडियो बनाने के लिए बोला था और उनको इसके बारे में जानना है, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ। और ऑलरेडी ये मेरे पोर्टफोलियो में से ही शेयर हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं और ज़्यादा बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर इसका वेबसाइट मैंने ओपन किया है और जेम फाइनेंशियल के बारे में आपको बता दूं कि ये कंपनी डाइवर्सिफाइड बिजनेस में है, फाइनेंशियल ग्रुप में। और इसके काम क्या है देख लो, इन्वेस्टमेंट बैंक और ये बहुत सारे और चीज़ें करती है, मॉर्गेज लेंडिंग करती है, रिटेल मॉर्गेज लेंडिंग करती है, ठीक है। ये हाई नेटवर्क क्लाइंट के लोग क्या करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट को वो पोर्टफोलियो संभालना, उनका इन्वेस्टमेंट कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी फंड्स में फिक्स इनकम, ये सारी इनके स्कीम्स होते हैं और ये प्लान्स होते हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर जिनके पास नेटवर्क ज़्यादा है, प्रॉपर्टी ज़्यादा है, असेट ज़्यादा है, उनका असेट मैनेज करती है। तो ये इतना सारा काम ये करती है। डिस्ट्रेस क्रेडिट इंक्लूड्स असेट रिकंस्ट्रक्शन करती है। किसी कंपनी कोई डेप में है, ज़्यादा डेप में है, तो उनको लोन प्रोवाइड करती है। तो ये सारी चीज़ें ये कंपनी करती है। मतलब ये सोच लो कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट बड़ी बड़ी कंपनियों को या बड़े इन्वेस्टर्स है, उनको फाइनेंशियली और ग्रो करने के लिए ये कंपनी काम करती है। तो इसका काम बहुत अच्छा है और ऑलरेडी ये मेरे पोर्टफोलियो में है। और ये देख लो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या क्या बताया है और क्या है, देखो पब्लिक इशू डेट वगैरह, ये सारी चीज़ें ये करती है क्लाइंट्स के लिए। इनके कैपिटल मार्केट फंड लेंडिंग करती है। और ये है बेस्पोक फाइनेंस। ये क्या होता है, प्राइवेट इक्विटी फंड क्या होता है, डेप ट्रेडिंग एंड सिंडिकेशन क्या होता है, ये सारी रिटेल रियल एस्टेट के लिए कंसल्टिंग करती है कि कौन सा क्या करना चाहिए, क्लाइंट के लिए सारा फाइनेंशियल और कहाँ ग्रोथ हो सकता है, कहाँ पर पैसा लगाने के बाद कई कस्टमर या इनके क्लाइंट्स अगर कहीं पे पैसा लगाएंगे तो कहाँ से इनको प्रॉफिट जनरेट होगा, कहाँ से इनकी नेटवर्क बढ़ेगी, ये इनका काम होता है, ठीक है। तो वो फाइनेंशियल गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं, तो ये इनका काम है। और यहाँ पे बेस्पोक फाइनेंस करके एक ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि ये ऐसा कस्टमाइज फाइनेंशियल सॉल्यूशन टू कंपनीज एंड प्रमोटर टू मीट वेरियस रिक्वायरमेंट, एग्जांपल डेप रिपेमेंट। देखो किसी कंपनी पे डेप ज़्यादा है, लोन है, कर्जा है, और उनके ऊपर फिर वर्किंग कैपिटल के लिए फंडिंग चाहिए, तो ये सारा चीज़ें ये उनको भी हेल्प करती है। जिन पे ज़्यादा कर्जा भी है तो उनका डेप कम करने के लिए उनको भी ये मदद करती है। तो ये इनका काम है। स्टेक एक्सर्शन करती है और इन्वेस्टमेंट ग्रुप कंपनीज और बाय आउट ऑफ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, ये सारी चीज़ें इनका ये काम है। ये क्या क्या करती है यहाँ पे पूरा दिया है, जितना आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ोगे तो और अच्छा है। बट आपको ओवरऑल मैंने जितना बता सकता हूँ उतना बता दिया कि ये कंपनी का काम बहुत अच्छा है। मतलब अगर आपके पास अच्छा खासा फंड है, पैसा है, तो उसको कहाँ लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो लोग जेएम फाइनेंशियल के पास आते हैं। अगर कोई कंपनी कर्जे में डूबी है या उसको फाइनेंस की ज़रूरत है, मॉर्गेज लोन चाहिए, मॉर्गेज फाइनेंस चाहिए, कुछ भी किसी भी टाइप की दिक्कत हो, उनको प्रॉब्लम्स हो, तो जेएम फाइनेंशियल उनके लिए खड़ी है उनको हेल्प करने के लिए। तो ये है देखो, मॉर्गेज लेंडिंग है और इन्वेस्टमेंट बैंक है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, क्या है, ये सारे। और अगर किसी का क्रेडिट ख़राब है या उनका असेट कैसा रिकंस्ट्रक्शन करना है, क्या करना है, ये मतलब कंपनी को खड़ा करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने का काम ये करती है। सिक्योरिटीज़ में वेल्थ मैनेजमेंट, असेट मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज़ मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें ये काम करती है, ठीक है। तो आपको मैंने ओवरऑल आइडिया दे दिया कि कंपनी का काम क्या है, तो आपके दिमाग में आ गया कि जेएम फाइनेंशियल काम करती क्या है। अभी इसका शेयर क्या है, किस टाइप में है, इसका शेयर में क्या खासियत है, शेयर में कितना दम है, ये अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे इसका मैंने शेयर ओपन किया है ऑलरेडी। ये आज थोड़ा डाउन है और कम ही डाउन है, ज़्यादा डाउन नहीं है। ऑलरेडी मार्केट तो बहुत डाउन है, अगर आपने आज देखा रहेगा
क्योंकि ओमिक्रॉन नाम का जो वायरस इंडिया में आ चुका है उसी की वजह से थोड़ा पैनिक है, इस वजह से मार्केट गिर रहा है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना पैनिक हो जाओगे, जितना टेंशन लोगे, उतना आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी होती है। और जैसे कि कोविड आया था तो बहुत सारे कंपनी के शेयर बहुत सस्ते हो गए थे, बहुत गिर गए थे, फिर लोगों ने दबा के बाइंग किया, फिर देखो एक महीने के अंदर उसने फिर से वो अपने भाव पर आ गए, रिटर्न आ गए। तो यही होता है कि कोई चीज़ आती है, सडनली न्यूज़ आती है तो मार्केट में ज़बरदस्त सेलिंग आती है, लोग बेचना चालू कर देते हैं, फॉरेन के लोग बेचना चालू कर देते हैं, बट इंडियन लोग जो होते हैं, जो इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर है, वो ख़रीदना चालू करते हैं। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बेचेगा, कोई ना कोई ख़रीदेगा, और फिर से मार्केट को वो लेवल पे, क्योंकि मार्केट गिर गया सब कुछ, फिर सबकी हालत ख़राब, क्योंकि इकोनॉमी की हालत ख़राब हो जाती है। तो ये सारी सिचुएशन की वजह से मार्केट थोड़ा डाउन है, क्योंकि नया वायरस इंडिया में आ चुका है और इसी के डर के वजह से फॉरेन के लोग बेच रहे हैं शेयर्स, अपना माल निकाल ले रहे, अपने पैसे वो लोग निकाल ले रहे, इस वजह से शेयर्स गिर रहे और मार्केट थोड़ा करेक्शन मोड पे है। तो डरने की कोई बात नहीं है, जितना नीचे पे मिलते हैं शेयर्स लेके रखने का, थोड़ा थोड़ा बाय करने का, बट लेने का, क्योंकि उसके अगर आप कोविड के टाइम का अगर देखोगे कि मार्केट 10-10% तक गिर रहा था एक दिन के अंदर, तो अभी तो फ़िलहाल इतना नहीं गिर रहा है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से सोचो तो मार्केट अभी थोड़ा स्टेबल ही है, ज़्यादा कोई इतना बड़ा डाउनफॉल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप टेंशन फ्री रह के थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हो, यही अपॉर्चुनिटी होती है थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। जब हाई होता है तभी थोड़ा पीछे रहने का, बट अभी जब लो पे आते हैं शेयर्स तो लेने के लिए अच्छा होता है। तो अभी ये कंपनी कैसा है पहले ये देख लेते हैं, जेएम फाइनेंशियल आपके लिए कैसी कंपनी है। ऑलरेडी ये देखो 52 वीक लो के आसपास आई है, तो जिसने ऐसे ये सारे भाव पे लेके रखे रहेंगे तो वो तो लॉस में ही है फिलहाल, और अभी लो के आसपास है तो मुझे लग रहा है कि बाइंग करना चाहिए। ऑलरेडी मेरे पास है शेयर्स तो मैं और बाई करूँगा इसमें, ठीक है। तो और आपको बता दूँ, ये ऑलरेडी मेरे बाइंग प्राइस के नीचे ही है, तो मुझे और इसमें ख़रीदना है, तो इसमें और मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। और मुझे और चीज़ें अच्छी क्या लगती है कि इसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, 4 पॉइंट्स है बट वीकनेस ज़्यादा है, बट स्ट्रेंथ भी अच्छा है, गुड क्वार्टरली ग्रोथ इन रिसेंट रिज़ल्ट। देखो क्वार्टरली ग्रोथ अच्छा आ रहा है, इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात होती है कि कंपनी का ग्रोथ होना चाहिए, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए, ये एक अच्छी बात है। और नेगेटिव ब्रेकडाउन सेकंड सपोर्ट, अभी ये सपोर्ट्स ये वगैरह किसके लिए होते हैं, ट्रेडर्स के लिए होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। तो ये नेगेटिव ब्रेकडाउन आया हुआ है सेकंड सपोर्ट, मतलब इससे भी और नीचे जाने के, अब ये सेकेंड वाला सपोर्ट देखते S2 देखते हैं, ये देख लो, तो ये ट्रेडर्स के लिए होता है, ठीक है। ये सेकंड वाला सपोर्ट है यहाँ पे, ये देखो 68, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा है शायद, अभी जो प्राइस चल रहा है 68.5, तो यहाँ पे नज़दीक है नेगेटिव ब्रेकडाउन, तो वो तोड़ने के बाद और थोड़ा नीचे आएगा, ये संकेत होते हैं। तो S2 के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो S3 आएगा, तो लगभग कोई ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है, S3 भी आता है तो 67 से 68 तक ही जाता है, तो ये सारे सपोर्ट भी तोड़ देगा तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऑलरेडी ये 52 वीक इसका लो जो है 64 के आसपास का है, 64.9, तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी यहाँ से ये रिवर्स भी हो सकता है, कुछ भी चांसेस आ सकते हैं, या थोड़ा और गिरा गया तो थोड़ा और जा सकता है नीचे डाउन, बट कोई भी चीज़ डाउन जा रही है, अच्छा शेयर है तो ख़रीद लेना चाहिए, पोर्टफोलियो में ऐड करते जाना चाहिए, क्योंकि बाद में वो अच्छा खासा प्रॉफिट देता है। और यहाँ पे मैं बता दूँ इसकी 3 अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है यहाँ पे। तो पहली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बता रहा है कि 3 साल और 5 साल का जो पी है उसके कंपेयर में ये लेस है, कम है, देखो लेस देन 3 और 5 ईयर्स। तो ये जो होता है पी बहुत सस्ता होना चाहिए, जितना कम हो उतना अच्छा होता है। तो 8 रुपये का पी है, इसका मतलब 8 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो 1 रुपये कमा लोगे, ये होता है इसका कॉन्सेप्ट, मतलब ये आपको इन्वेस्टमेंट पे अच्छा खासा रिटर्न देने की ताकत रखता है। तो पी जितना सस्ता हो उतना अच्छा होता है,
इन्वेस्टमेंट के लिए। तो पी अच्छा है इसका, ऐसा ही अपॉर्चुनिटी में बता रहा है, 3 और 5 साल से भी कम का इसमें ये है, तो इसमें ग्रोथ अच्छा आने के चांसेस होते हैं। और थ्रेड बताओ तो इसमें डी ग्रोथ इन रेवेन्यू प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन रिसेंट। तो यहाँ पे 2 थ्रेड बताए हैं, तो डी ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन रिसेंट। तो ये प्रॉफिट मार्जिन के अंदर या रेवेन्यू के अंदर थोड़ा सा डी ग्रोथ बता रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट्स अच्छे बता रहा है, बट यहाँ पे रिवेन्यू थोड़ा कम हुआ है, डी ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, तो ये सारी चीज़ें ये थोड़ा डर बताया हुआ है कि एक थोड़ा कंपनी का यहाँ पे कुछ ना कुछ थ्रेट यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो कंपनी का रिवेन्यू कम हुआ है ये बता रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे इसका मार्केट कैपिटल क्या है, तो 6,500 करोड़ की कंपनी है, अच्छा खासा मार्केट कैपिटल है इसका। डिविडेंड देती है, डिविडेंड देने वाली कंपनी बहुत अच्छी होती है ये समझ लो। कुछ भी हो आपको अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे तो दे रही है, आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी देगी, प्लस आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे आते जाएंगे, जितने शेयर्स होंगे उस हिसाब से आपको डिविडेंड आते जाएगा। तो डिविडेंड के हिसाब से भी थोड़ा बहुत दे रही है, 50 पैसा दे रही है 1 शेयर के पीछे, तो अच्छा ही है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपके अकाउंट में आते जाएगा डिविडेंड के थ्रू। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसका डिलीवरी देखो, डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत अच्छा दिख रहा है, 53% के शेयर्स जो है 20 दिनों के अंदर डिलीवरी पे गए हैं, तो 20 दिन का एवरेज निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो 53% जो शेयर्स है वो डिलीवरी बेस के हैं, मतलब लोग इसकी डिलीवरी उठा रहे हैं, मतलब इसको होल्ड कर रहे हैं, उसको आगे के लिए होल्ड करके और लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं, तो ये अच्छी बात होती है कि डिलीवरी भी ले रहे हैं। और यहाँ पे इसका अगर हम पीबी रेशियो देख रहे हैं, 1 से कम है, तो पीबी भी प्राइस टू बुक वैल्यू भी अच्छा ही है, फेस वैल्यू 1 का है, मतलब ये बहुत स्प्लिट हुआ हुआ शेयर है, ये कम आ गया है इसका प्राइस, मतलब 1 रुपये का इसका फेस वैल्यू है, तो आगे जाके ये फ्यूचर में स्प्लिट तो नहीं होगा, सिर्फ देगा तो अगर बोनस ही देगा, अगर इसके और ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो लाइफ में ये आपको बोनस दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू इसका 1 का है, तो अच्छा ही है, मतलब आगे अगर बढ़ना रहेगा तो ये स्प्लिट नहीं होगा, सिर्फ आपको बोनस दे सकता है। और बाकी सारी चीज़ें इसके हम चार्ट में देखेंगे, ओवरव्यू ओवरऑल ठीक ही लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। अभी इसका चार्ट कैसा लग रहा है ये पहले देखते हैं। तो चार्ट में पहले मैं 1 महीने का चार्ट देखता हूँ, तो चार्ट में 1 महीने में देख लो, ये जो स्टार्ट हो रहा है 85 रुपीज़ का हाई से जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे आके ये अभी 68 तक आके गिर गया है, ठीक है। तो 85 से 68 हो गया है 1 महीने के अंदर, और 3 महीने के अंदर देख लो ये लगभग 90 का हाई था, वहाँ से एक बार बीच में यहाँ पे एक हाई मारा था इसने, यहाँ पे एक 96 का हाई मारा था, फिर 96 के हाई से ये फिर यहाँ पे और गिर गया, ठीक है। तो 96 तक भी ये गया था 3 महीने पहले, वहाँ से ये गिर चुका है। और यहाँ पे अभी 6 महीने का चार्ट देख लो, 6 महीने में भी ये लगभग देख लो इसका प्राइस 117 का हाई था, और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था 6 महीने पहले, ये भी 90 का लो से अगर हम देखते तो 117 तक ये जा चुका था, और 117 के बाद ये गिर चुका है, तो लगभग 6 महीने में भी बहुत तगड़ा गिरा है ये 117 से अभी तक, ठीक है। तो यही है लाइफ टाइम इसका हाई, लाइफ टाइम मतलब 1 साल का पूरा हाई जो है 52 वीक का हाई है, वो 16 जुलाई को ही इसने मारा था, उसके बाद ये डाउन आया है। और 1 साल का अगर हम देखते हैं तो 1 साल का चार्ट देख लो, ये 1 साल में लोगों को मतलब लो इसका देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे 84 का आसपास का इसका लो है, वहाँ से ये शेयर्स डाउन फिर अप आया, फिर डाउन आया, फिर अप हुआ, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर थोड़ा अप गया, फिर थोड़ा डाउन, फिर अप यहाँ पे गया था। तो इसने 1 साल के अंदर अप डाउन करके एक बार हाई मारा, फिर वहाँ से ये पूरा फिर डाउन ही आते गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंस गए रहेंगे, यहाँ पे फंस गए रहेंगे वो लोग,
निकल नहीं पाए रहेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट तो उनको मिला नहीं, प्रॉफिट ये लोग ने किया, यहाँ पे जिसने इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पे भी जिसने इन्वेस्टमेंट किया, तो कौन से टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए ये इम्पोर्टेंट होता है। तो हम अभी जो टाइम में है वो सही टाइम है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही होगा, इससे डाउन और कौन सा हो सकता है ये भी देख लेते, लेकिन फ़िलहाल तो ये जोन बहुत अच्छा बाइंग के लिए है, यहाँ से बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर हम 5 साल का इसका चार्ट देखते हैं, 5 ईयर्स का देख लो, 5 ईयर्स के लगभग लगभग ये वही रेंज में है, ठीक है, यहाँ पर मतलब देख लो 5 साल पहले अगर हम यहाँ पे 64 का जो लो दिख रहा है 5 साल पहले का लो, और अभी भी लगभग वही प्राइस के आसपास है 64.90 का लो, ये 29 नवंबर का लो है, और उसी दिन का जो 52वीं लो है वही है 64 का, और ये 5 साल पहले भी वही आसपास था, ठीक है। तो 5 साल पहले का लो ये आज फिर से दिखा रहा है, मतलब जो 5 साल पहले से जिसने बेचा ही नहीं रहेगा आज वही प्राइस देखता रहेगा, तो वो ज़्यादा सदमे में रहेगा कि इतने 5 साल में उसने कमाया क्या, अगर सही टाइम पे बेचा रहता तो अच्छा खासा उसने प्रॉफिट लिया रहता। तो 5 साल में ये एक बार हाई जो गया था तो प्राइस था 191, तो 191 पे अगर निकला रहता 64 से 191, मतलब 3.5-4 गुना ये कर ही लेता, ठीक है, 3 गुना तो आराम से हो जाता, ठीक है। तो वहाँ से ये शेयर देखो कितने टाइम में हो जाता, ये 2016 का ये प्राइस है और यहाँ पे है 2017, 1 साल के अंदर वो 3 गुना शेयर लोगों को करके दिया, फ़ायदा करके दिया, फिर वहाँ से फिर गिरना चालू हुआ। देखो वो एक बार बढ़ता है ना तो वहाँ से एक बार डाउन चालू होता है, तो बोल नहीं सकते कितना कब तक डाउन रहेगा, बीच में थोड़ा अप जाता है, बट ये छोटे इन्वेस्टर के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए ठीक होता है, एक बार बीच में डाउन आ गया तो फिर लेते वहाँ से निकल जाते, फिर डाउन आ जाता है, तो सही टाइम पे निकलना भी अच्छा होता है, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से कब लेना चाहिए ये भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो फिलहाल तो 5 साल के अंदर ये बहुत गिर चुका है, फिर बीच में यहाँ पे एक बार ऊपर आया था, फिर डाउन आया, फिर यहाँ पे थोड़ा ऊपर आ गया था 2021 में, और फिर से डाउन आया, और इसका मैक्स हम देखेंगे तो 2007 से हमको दिखा रहा है, 2006 से दिखा रहा है, 2 अक्टूबर का यहाँ पे अक्टूबर नवंबर का प्राइस नज़र आ रहा है 2006 से, तो 2006 में अगर इसका प्राइस देखेंगे तो 28 का प्राइस है, 28 रुपये का, 28 रुपये से ये एक बार 158 हाई गया था 2008 में 2 साल में, ठीक है, 158 मतलब 28 रुपये से 158 हो गया, मतलब बहुत तगड़ा कमा के दिया था जब स्टार्टिंग में आया था शेयर। फिर उसके बाद ये देखो ऐसे ही होता है, कोई भी शेयर्स को ज़्यादा हम होल्ड करके रखते अगर सही टाइम पे नहीं निकलते तो देखो कितना ज़बरदस्त गिरा ये, फिर गिरने के बाद यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा बढ़ता है, नाम के लिए बढ़ता है, फिर डाउन आता है, फिर यहाँ पे बहुत टाइम तक लोगों को होल्ड करना पड़ता है, फिर होल्ड करते ऐसे टाइम पे कोई होल्ड करके रखता है, फिर उसको बहुत सब्र करना पड़ता है, फिर यहाँ पे आके उनको 191 का प्राइस मिल जाता है। तो यहाँ पे किसी ने बाय किया रहता, यहाँ पे भी बाय किया रहता, तो फिर से 1315-16 का प्राइस आया था यहाँ पे, 13-14-15 का JM फाइनेंशियल, ठीक है, तो ये प्राइस पे अगर किसी ने ख़रीदा रहता और फिर बाद में यहाँ पे बेचा रहता तो अच्छा खासा उनको प्रॉफिट हो जाता, ठीक है। तो लोगों को अच्छा खासा इसने प्रॉफिट भी दिया है, सही टाइम पे जिसने इन्वेस्टमेंट किया और सही टाइम पे निकले हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें मिला हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं कि ये डाउन ही आया है और यहाँ पर भी एक बार अप गया फिर डाउन आया, फिर अभी जो चल रहा है सिचुएशन अभी आप देख ही रहे हैं, तो अभी इसमें क्या करना चाहिए, आगे इसका फाइनेंशियल भी देखेंगे बट चार्ट वाइज इसका देखेंगे तो बहुत अप एंड डाउन हुआ है ये पूरे लाइफ टाइम में। अभी हम इसका आगे थोड़ा प्राइस परफॉर्मेंस देखते हैं, 1 साल का प्राइस परफॉर्मेंस, 1 वीक का रिटर्न 3.5% माइनस है, 1 महीने का रिटर्न इसका 19% माइनस है, 3 महीने का रिटर्न इसका देखो लगभग 24% माइनस है, और ये जनवरी से अभी तक का इसका रिटर्न माइनस में 19% है, और 1 साल का इसका रिटर्न भी 19% तक ही है, और 3 साल का इसका रिटर्न भी माइनस 91.5, तो 19.5% ये डाउन ही है। तो लोगों को इसने 3 साल से भी घाटा ही दिया है, 1 साल में भी घाटा ही दिया है, तो लोगों को जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको भी
अच्छा खासा नुकसान दिया है लॉन्ग टर्म वालों को। और अभी जेम फाइनेंशियल का यहाँ पे रिज़ल्ट जो शो कर रहा है इनके साइट पे मनी कंट्रोल पे, वो 29 जुलाई का रिज़ल्ट आया हुआ है और वो जून का रिज़ल्ट है और उसका नेट सेल्स अच्छा खासा बढ़ा हुआ है ऐसा बता रहा है। 43% से इसका सेल्स बढ़ा है, मतलब बहुत अच्छा न्यूज़ है ये, और वही यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लोगों का रिकमेंडेशन देख लो, बाइंग का रिकमेंडेशन कम है यहाँ पे, 40% लोग बाई करो बोल रहे हैं, 40% सेल करो बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अदर इसके इनसाइडर ट्रांजेक्शन्स है ब्लॉक डील से जो पुराने हैं, और इनसाइडर ट्रांजेक्शन भी छोटे मोटे है यहाँ पे, कुछ क्वांटिटीज़ है जो अंदर के अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं कंपनी के अंदर। और यहाँ पे हम यह अभी देखेंगे इसका फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के बारे में जानने के लिए, सबसे ज़्यादा है उसका रिवेन्यू कैसा है, प्रॉफिट कैसा है ये देखेंगे। तो रिवेन्यू देख लो, 2017 में जो 2300 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था उन्होंने, फिर वो डायरेक्ट 2018 में बढ़ गया है, 3234 करोड़ हुआ, फिर बाद में 3479 करोड़ हुआ, मतलब 3479 करोड़ हुआ, फिर 3432 करोड़ 2020 में हुआ, फिर अभी 3197 करोड़ है। तो अभी भी कुछ डेटा अपडेट होना बाकी है, 2021 अभी भी बाकी है, तो और ये अपडेट हो जाता है तो शायद इससे भी ज़्यादा रिवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो रिवेन्यू अच्छा है, रिवेन्यू कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही है। और यहाँ पे अगर इसका नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट भी देख लो, 2017 का नेट प्रॉफिट 636 करोड़ का है, और यहाँ पे 2018 का प्रॉफिट भी देख लो, 870 करोड़ का है, फिर 836 करोड़ का 2019 में प्रॉफिट हुआ है उनको, फिर थोड़ा सा कम होते 2020 में प्रॉफिट कम हुआ है, और 777 करोड़ हुआ है, 777 करोड़, और यहाँ पे 806 करोड़ 2021 में हुआ है। तो लगभग प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी ही है, और थोड़ा प्रॉफिट ऐड हो जाएगा अगर पूरे रिजल्ट्स आ जाएंगे 2021 तक के, तो अच्छा खासा ये प्रॉफिट भी यहाँ पे दिखेगा। तो लगभग ये जो प्रॉफिट है ये भी ये कवर कर सकता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी प्रॉफिट में कम ज़्यादा होता है, लेकिन प्रॉफिट में तो है कंपनी, ये अच्छी बात है। और यहाँ पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं कि सबसे ज़्यादा शेयर्स प्रमोटर्स के पास ही है, तो 54-55% तक तो प्रमोटर के पास है, मालिक के पास है, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। कोई शेयर्स गिरवी नहीं है तो वो भी टेंशन नहीं है, ऑलरेडी ये लोगों का गिरवी रहेगा या किसी को उनको हेल्प करते हैं, तो इनके तो नहीं होने चाहिए। और सबसे ज़्यादा दूसरा नंबर पे भरोसा इस पर किया है, देखो प्रमोटर तो मालिक होते हैं, उसके बाद किसी ने इन पे भरोसा किया है तो सबसे ज़्यादा फॉरेन के लोगों ने भरोसा किया है, फॉरेनर्स लोगों ने भरोसा किया है, FII जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने लगभग 22% तक इसमें शेयर्स लेके रखे हैं, होल्ड कर रहे हैं वो इतने शेयर्स, तो 22% शेयर्स मार्केट से इन्होंने उठाए हैं FIIs ने। फिर बाद में किसने उठाए हैं, DIIs जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिसमें म्यूचुअल फंड भी आते हैं, तो उन्होंने शेयर्स उठाए हैं। ठीक है, 10.5% उनके पास शेयर्स हैं, और बाद में पब्लिक के पास है, पब्लिक के पास भी अच्छा खासा स्टेक है, पब्लिक ने भी लगभग 13% तक तो होल्ड करके रखा है शेयर्स, तो पब्लिक ने भी अच्छा खासा शेयर में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी का, और अदर्स में बहुत कम है, तो अदर्स में और कोई आते हैं तो अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, सभी ने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, खास करके FIIs, DIIs और पब्लिक, तो इनका स्टेक होना, इनका शेयर होल्डिंग होना, मतलब ये पॉजिटिव होता है कि किसी भी कंपनी पे ये लोग ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, तो हमको तो उससे ज़्यादा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इनका सबसे ज़्यादा पैसा लगा होता है मार्केट में। ठीक है, ये तो कंपनी के मालिक है, बट कंपनी के मालिक के बाद अगर कोई दूसरे लोग होते हैं वो बहुत सोच समझ के किसी भी कंपनी पे पैसा लगाते हैं, तो ये एक अच्छी न्यूज़ होती है। ठीक है, और यहाँ पे म्यूचुअल फंड के 10 स्कीम है जो जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है, तो ऐसे 10 स्कीम्स है
जिनका पैसा जेम फाइनेंशियल में लगा है। और यहाँ पे एक कोई म्यूचुअल फंड कम हुआ है ऐसा यहाँ पे बता रहा है, और ये सितंबर का डेटा है। और यहाँ पे FIIs और FPIs जो फॉरेन के इन्वेस्टर से, टोटल 115 ऐसे इन्वेस्टर से जिन्होंने इसमें पैसे लगाए और 2 इसमें से कम हुए हैं। तो ये है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर्स किसके पास कितने हैं, क्या है उसका फाइनेंशियल कैसा है, हमने सब देख लिया और इसके चार्ट्स देख लिए, ठीक है, इसका न्यूज़ देख लिया क्या है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादातर मेजॉरिटी पॉजिटिव नज़र आ रही है। तो पॉजिटिव होने की वजह से ये शेयर्स आगे भी पॉजिटिव ही रहेगा। इसका काम अच्छा है, बिजनेस अच्छा है और रिजल्ट्स अच्छे हैं इसके, ठीक है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। तो मुझे तो ये कंपनी अच्छी लगी है, खुद मैं इन्वेस्टेड हूँ इसमें और ऑलरेडी मैं इसमें कभी ना कभी वीडियो बनाता, बट मुझे किसी ने कमेंट में बोला कि इस पर एक वीडियो आना चाहिए, इस पर मेरा व्यू क्या है। तो ये मैं मेरा व्यू बता रहा हूँ और ऑलरेडी मैं और इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूँ और मेरे लिए ये कंपनी आगे और प्रॉफिट दे सकती है, जिसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जैसा भी करना है, जिसको जो प्रेफरेबल है। इसके रिजल्ट्स देख के इसमें कभी हाई आता है, क्योंकि इसका पास्ट देख लो, कभी कभी बहुत हाई दे देता है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देता है, बट टाइम पे निकला करो, नहीं तो कभी फंस जाओगे, अटक जाओगे, तो फिर कभी लाइफ में फिर से वो प्राइस आने के लिए टाइम लगता है। तो अगर यहाँ से ये डबल भी हो जाता है या ट्रिपल भी हो जाता है, तो कम से कम डबल भी हो जाए तो निकला करो, या 20% 30% 40% 50% की भी उम्मीद रखोगे तभी भी ठीक ही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा बहुत उसमें थोड़ा स्टडी कर लो, रिसर्च कर लो, या फिर आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो। कंपनी पे भरोसा आ रहा है, अच्छा लग रहा है और ऑलरेडी मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ, तो इसमें से भी मैं प्रॉफिट में ही निकलूँगा बाहर। तो इसमें और है स्कोप है आगे बढ़ने के चांसेस है, कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। फिलहाल मार्केट कंडीशन ख़राब चल रही है नया वायरस की वजह से, तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो, बाद में सब ठीक हो जाएगा और जब ठीक होगा तो सब शेयर्स अच्छे से फिर से भागना चालू करेंगे। तो आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कुछ रहेगा तो कमेंट्स करो, मैं आपके कमेंट्स को आंसर करूँगा, ठीक है। और आपको बिल्कुल इसके बारे में सपोर्ट करूँगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग मैं करता हूँ और मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करके रखो, सब्सक्राइब करने से कोई घाटा होने वाला नहीं, अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आती जाएगी, अच्छे शेयर्स आपको पता चलते जाएंगे। यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन जेन्युइन रहेगी, कोई उसमें बड़े बड़े झूठे झूठे टारगेट्स नहीं रहेंगे, ना कुछ फेक न्यूज़ होगी, ना कुछ नहीं होगा, जो कुछ है जेन्युइन रहेगा। और जिसमें खुद में मैं इन्वेस्टेड हूँ उसी के बारे में मैं बात करता हूँ। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।